मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार सत्ता में है और इस सरकार को बने हुए सत्ता में आए हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अब तक ऐसे कई बड़े और अहम फैसले लिए जा चुके हैं जो विपक्ष को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे हैं। जी हां, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लेकर कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर करते हुए नजर आए जब महाराष्ट्र के हाथों से कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट किसी अन्य राज्य के हाथों में चले गए। और ऐसे में ना सिर्फ शिंदे गुट बल्कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। इसी बीच मैदान में उतर आए हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे। राज ठाकरे भी हर एक मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं और अब उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ उन्होंने निशाना साधते हुए अपनी बात को खुलकर रखा है। दरअसल अब महाराष्ट्र में जो सियासत तेज है वह फिलहाल टाटा एयरबस C95 परिवहन विमान परियोजना को लेकर है। राज्य में आने वाला तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात के हाथों में चला गया है। शिंदे और फडणवीस की सरकार एक बार फिर से निशाने पर आ चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का बयान सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कह दिया है कि इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए। उनका कहना रहा कि भले ही ये प्रोजेक्ट गुजरात चला गया लेकिन महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है। राज ठाकरे ने इस तरीके से अपनी बात को रखा। आपको बता दें कि बैंड्रा के MIG क्लब में मनसे पदाधिकारियों को उन्होंने संबोधित किया और इस बैठक में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी आगामी नगर निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि पर कड़ी मेहनत कर रही है। राज ठाकरे से यहां पर प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल पूछे गए। उन्होंने कह दिया साफ तौर पर इस वजह से जो सरकार की आलोचना हो रही है। राज ठाकरे का कहना रहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पहले के भाषणों को देखें तो मेरी राय पहले भी यही थी कि प्रधानमंत्री को देश का होना चाहिए, उन्हें हर राज्य को अपनाना होगा। महाराष्ट्र का ये प्रोजेक्ट असम में गया तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन राज्य में जो प्रोजेक्ट आ रहा है वह गुजरात जा रहा है। प्रधानमंत्री को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, हर राज्य को बड़ा बनना चाहिए, हर राज्य में उद्योग आने चाहिए, वहां के लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट राज्य में गए तो देश का विकास होगा। आज भी महाराष्ट्र राज्य उद्योगों के मामले में किसी भी अन्य राज्य से आगे है, यहां तक कि महाराष्ट्र ही उद्योगपति की पहली पसंद है। मालूम हो कि इससे पहले वेदांता और फॉक्सकॉन परियोजना को लेकर सियासत तेज हुई थी और अब गुजरात के हाथों में यह बड़ा प्रोजेक्ट भी जा चुका है। इससे पहले हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में बताया ही था कि आदित्य ठाकरे ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया और साफ तौर पर कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, अगर वह उप मुख्यमंत्री होते तो वह इस्तीफा दे चुके होते। वहीं सुषमा अंधारे जो उद्धव गुट से महिला नेता हैं, उन्होंने भी यहां पर साफ तौर पर कह दिया इस प्रोजेक्ट को लेकर शिंदे और फडणवीस की सरकार पर निशाना साध दिया। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर सलाह मशवरा का दौर जारी है और पीएम नरेंद्र मोदी से यही गुजारिश की है राज ठाकरे ने। देखना होगा कि राज ठाकरे और जिस तरीके से पूरा ही विपक्ष यहां पर मांग करते हुए नजर आ रहा है, क्या वाकई में यहां पर एकनाथ शिंदे और पीएम नरेंद्र मोदी इन सलाह पर काम करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल आपको बताते चले कि एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें दिलासा दिया कि आने वाले समय में जो बड़े प्रोजेक्ट आएंगे वह महाराष्ट्र के हाथों में आएंगे। लेकिन यहां पर नजारा कुछ और ही है। गुजरात में गुजरात मॉडल को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि दिसंबर के महीने में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।